हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी कार में रूफ रेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और रूफ रेल को कहां से परचेज करना है और कितने का रूफ रेल मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये मुझे दोस्तों 1080 रुपये का पड़ा है। ठीक है, इसकी पैकिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छी पैकिंग इसकी यहाँ पर दी गई है। तो जल्दी से मैं इसकी पैकिंग को खोल लेता हूँ। पैकिंग यहाँ पर इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है। और दोस्तों ये इस पैकिंग के अंदर एक और बॉक्स हमें मिल जाता है, तो मैं इस बॉक्स को यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो ये जो रूफ रेल का बॉक्स है ये कुछ इस तरीके का है और मैंने यहाँ पर इसे सिल्वर कलर में परचेज किया है। वहाँ पर देख सकते हो सिल्वर कलर लिखा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये यूनिवर्सल रूफ रेल है, आप इसको किसी भी कार में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका MRP लिखा हुआ है 2999, लेकिन इसकी MRP से कोई मतलब नहीं है, ये मुझे पड़ा है 1080 रुपये का। ठीक है, और इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक सिल्वर और एक ब्लैक। तो मैंने सिल्वर को परचेज किया है, आप चाहो तो ब्लैक भी परचेज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सिल्वर कलर यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है कार में लगा हुआ। और दोस्तों इसको जल्दी से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसके अंदर बॉक्स के जो जो सामान हमें मिल जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके के पाइप मिलते हैं इसके अंदर दो, जो कि मैंने यहाँ पर रख दिए हैं अभी। और अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी आपको बताऊँगा, पहले मैं इसमें से सारा सामान यहाँ से निकाल लेता हूँ बॉक्स में से। ठीक है, और दोस्तों अभी तक सारा सामान मेरा इस बॉक्स से निकल चुका है। और दोस्तों इस बॉक्स में हमें चार लेग मिल जाती है इस रूफ रेल की। ठीक है, और मैं इसको खोलकर दिखा देता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छी फिनिश के साथ इसकी लेग्स दी गई है, जो कि प्लास्टिक मटेरियल में है। और इसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा इसका प्लास्टिक यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों ये जो हमारी मेन चीज़ है, इसके पाइप जो होते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। और दोस्तों मैं इस पाइप की बात करूँ तो ये पाइप काफ़ी हैवी वेट में दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम का हल्का सा पाइप है, ये इसमें लोहे का पाइप दिया गया है, जो कि दबाने से या मोड़ने से ऐसे कहीं नहीं जाने वाला, काफ़ी मजबूत पाइप इसमें ये दिया गया है। अगर ये एल्यूमिनियम का दिया गया होता तो दोस्तों ये ऐसे करने से यहाँ से मुड़ जाता, क्योंकि एल्यूमिनियम लोहे के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इस वाले पाइप को भी यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसको जल्दी से यहाँ पर असेंबल कर लेता हूँ। उसके बाद रूफ पे इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, सिंपली इसको असेंबल करने के लिए यहाँ पर ऐसे पकड़ना है, कोई सी लेग भी आप किधर भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसमें पुश करके इसके अंदर फिट कर देना है। और दोस्तों इसमें मैंने चारों लेग को फिट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर रूफ रेल को इंस्टॉल करने से पहले हमारी जो गाड़ी की छत होती है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो कि मैं पहले से ही कर चुका हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्ड करके और दिखाऊँ। ठीक है, बस कार की छत को अच्छे से साफ कर लेना है, कोई भी डस्ट इसके ऊपर रहनी नहीं चाहिए। कार की छत को साफ करने के बाद एक रूफ रेल को उधर रखना है और एक को इधर रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने इस रूफ रेल को यहाँ पर रखा है तो जो इसकी लेग्स है वो यहाँ पर प्रॉपर फिट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी, तब आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ये तो इसमें प्रॉपर फिट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सोचोगे कि इसको मैं आगे करके लगा देता हूँ या पीछे करके लगा देता हूँ, तो इसको आप कहीं पर भी कर लेना, लेकिन जो इसकी लेग्स है वो ऐसे ही खड़ी रहेगी, प्रॉपर छत के ऊपर ऐसे फिट नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी इसमें मेटल की रॉड दी गई है इसमें थोड़ा सा कर्व देना पड़ेगा, तभी ये जाके इस पर प्रॉपर फिट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लेग्स को निकालने के बाद आपके घर में ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट पिलर होगा, ये जो इसकी फ्लैट वाली साइड है इसको प्लेयर पर ऐसे मारना है, तो हल्के से इसमें कव आ जाएगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों रोड में हल्का हल्का सा कव दे दिया है, जिससे कि अब ये प्रॉपर इसमें फिट हो जाएगी छत के ऊपर। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से इस रोड में कव कर लेना है, तभी जाकर ये इसमें फिट होगी। ठीक है, मैं आपको अभी रख के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, अब जो इसकी लेग्स है वो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे छत के ऊपर ऐसे फिट आ रही है। ठीक है, पहले इसकी लेग्स ऐसे हो रही थी ऊपर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले मैंने इस वाली रोड को किया था, ठीक है, तो उतना मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी जान ज़्यादा लगा दी थी, तो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा डेंट ज़्यादा आ गया है। ठीक है,
लेकिन उस वाली रोड में मैंने ऐसे नहीं करा है, बिल्कुल ध्यान से करा है। तो आपको बता दूँ, थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो इसके अंदर एकदम से ऐसे डेंट आ जाएगा जो कि देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से करना। अब सिंपली क्या करना है इसको फिट करने के लिए, जो इसके पीछे ये 3M की टेप दी गई है इसको उतारना है। इसको रखना है यहाँ पर पहले एक साइड, और ऐसे रखने के बाद ये वाली लेग तो हमारी चिपक जाएगी। उस पर अभी ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है हल्का सा चिपका कर। और जितना गैप यहाँ पर छोड़ते हैं हम इस वाली लेग्स में, तो फ्रंट वाली लेग्स में भी हम इतना ही गैप छोड़कर और इसको यहाँ पर चिपका देंगे। और दोस्तों अब दोनों लेग को मैंने यहाँ पर चिपका दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी लेग के ऊपर काफ़ी दबाव डालना है ताकि जो इसकी 3M की टेप है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, एक साइड की तो रूफ रेल मैंने फ़िट कर दी है, वैसे ही दूसरे साइड की रूफ रेल को भी मैं फ़िट करता हूँ। बस देखना ये है कि जितना गैप हमने यहाँ साइड पर छोड़ा है इतना ही उधर छोड़ना है और पीछे भी। ठीक है, तो जल्दी से मैं उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ और लास्ट में आपको इसको चारों तरफ से दिखाऊंगा, इसके हर एंगल से कैसी ये रूफ रेल लगने के बाद हमारी कार हो जाती है। तो जल्दी से मैं उसको फ़िट कर लेता हूँ। तो मैं इसको आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कैसी लगती है हमारी कार। तो यहाँ पर देख सकते हो रूफ रेल लगने के बाद कितनी अच्छी लग रही है हमारी गाड़ी की छत। बस इसमें कमी एक ही नज़र आ रही है, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा डेंट आ गया है रॉड के अंदर मुझसे। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये रूफ रेल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।